अब समंदर में समुद्री लुटेरों की खैर नहीं। हूतियों ने किया हमला, नौसेना ने सिखाया सबक। INS जटायु बना नौसेना की आंख और कान। हूतियों के हमले समंदर में रुक नहीं रहे हैं। हूती विद्रोही लगातार जहाजों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हूतियों को अब भारतीय नौसेना सबक सिखा रही है और अब समुद्री लुटेरों की खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अदन की खाड़ी में एक बार फिर हूतियों ने अपना उपद्रव मचाया और एक जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया, लेकिन भारतीय नौसेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए कई लोगों की जान बचा ली। दरअसल अदन की खाड़ी में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया का झंडा लगे व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद हूती विद्रोहियों की इस हिमाकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नौसेना ने INS कोलकाता को समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए इसी समुद्री क्षेत्र में तैनात किया है और उसी के जरिए 13 भारतीय नागरिकों सहित 23 लोगों को बचा लिया गया जो जहाज पर तैनात थे। भारतीय नौसेना की तरफ से जानकारी भी दी गई कि जैसे ही हूतियों ने ड्रोन हमला किया, वैसे ही जहाज में से धुएं का गुब्बार नजर आया, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभालते हुए जहाज पर सवार लोगों को बचाने का काम किया। वैसे हूती विद्रोही बीते 4 महीने में कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बना चुके हैं और इसी बीच लाइबेरियन जहाज को निशाना बनाने की घटना सामने आई, लेकिन भारतीय सेना ने इसका बखूबी जवाब हूतियों को दिया। इससे पहले भी भारत कई हमलों का माकूल जवाब हूती विद्रोहियों को दे चुका है, क्योंकि नौसेना के कई जहाज इस क्षेत्र में तैनात हैं। दरअसल लाल सागर में हूती विद्रोही अलग अलग व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में हमले का शिकार हुए व्यापारिक जहाजों की सहायता की है और अब तो समुद्री लुटेरों को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर हाईटेक नौसैनिक अड्डा भी स्थापित करने जा रही है। इसे INS जटायु के रूप में जाना जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप पर 1980 के दशक से ही भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी थी, लेकिन INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट बढ़ेगी और ये पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ अभियान चलाएगा। कहा जा रहा है कि इस नौसैनिक अड्डे से समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जहां से समुद्री लुटेरों की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप में ऐसा नौसैन्य अड्डा है जहां से दुश्मन देशों की हरकतों पर भी नजर रखी जा सकती है। दरअसल मिनिकॉय में नौसैनिक बेस के निर्माण से क्षेत्र में चीन की नौसेना गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। ये बेस फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य युद्धक जहाजों को तैनात करने में सक्षम है, जो क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो सुएज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदा और लोम्बोक जल डमरू मध्य की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है और इसलिए मिनिकॉय में नौसैनिक बेस दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। यानी INS जटायु नौसैन्य अड्डा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे नौसेना ने हूतियों को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में नौसैन्य अड्डे का नाम आखिर INS जटायु क्यों रखा गया। दरअसल नौसैन्य अड्डे का नाम रामायण के उस पात्र के नाम पर रखा गया है, जिसने सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। रामायण में जटायु ने सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की। जटायु ने अपने जीवन को खतरे में डालकर ऐसा किया था, इसलिए इस नौसैन्य अड्डे का नाम जटायु रखा गया। जटायु से ही
भगवान राम को दी गई जानकारी से हालात का पता चला और भगवान राम आगे विजयी हुए और इस नौसैन्य अड्डे से भी भारतीय वायुसेना विजयी होगी। तभी तो भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि INS जटायु नौसैन्य अड्डा पूरे समुद्री क्षेत्र में चौकसी बनाए रखने के लिए मददगार होगा, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंडमान में पूर्व में INS बाज और अब पश्चिम में INS जटायु आंख और कान के रूप में काम करेगा, जिससे भारतीय वायुसेना हमेशा विजयी होगी और दुश्मनों को बखूबी सबक भी सिखाया जा सकेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।